नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम। आइए आपको ले चलते हैं खबर की तह तक। और मैं हूं आपके साथ अंकिता। आपकी खबर हमारी नजर। आइए यूपी के प्रयागराज की ओर ले चलते हैं, जहां पर नैनी मामा भांजे तालाब के पास अनियंत्रित ट्रक चाय की दुकान में जा घुसी, जिसकी चपेट में 5 लोग आ गए। लोगों की मौत, जिसमें एक सिपाही नारायण सिंह हेल्थ कांस्टेबल नैनी थाने में थे, जबकि दूसरे हानिस वसीम फलवाला था। आपको बता दें कि और दो अन्य घायल, जिसमें विजय सियासो कांस्टेबल व अजय सिंह हेड कांस्टेबल असारण में इलाज करा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है। रात में दो सिपाही हमारे थे, एक हेड कांस्टेबल थे, ये पब्लिक वालों के साथ वहां पर अपनी ड्यूटी में थे, पिकेट ड्यूटी में थे। सिपाही जो थे हमारे नारायण सिंह और ब्रजेश यादव, और एक हेड कांस्टेबल और थे, साथ में एक वसीम घोरपुर का था लड़का, ये मौसमी की दुकान वहाँ चलाता है, जूस की दुकान। एक सीमेंट लदा हुआ ट्रक जौनपुर का आया, जिसने इन तीनों के साथ एक्सीडेंट किया। बाकी 3 लोग और मौके पर थे, लेकिन उन लोगों को क्षति नहीं पहुंची। ये 3 व्यक्ति और दो सिपाही हमारे, एक पब्लिक का व्यक्ति, 5 मोटरसाइकिल, उनके साथ एक्सीडेंट हुआ, जिसमें जो हमारे सिपाही हैं नारायण सिंह, उनकी मृत्यु हो गई है। ब्रजेश जो है वो घायल थे, उनका सीटी स्कैन करा दिया गया, लेकिन अभी वो स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। और ये ड्राइवर वहाँ से 800 मीटर दूरी पर अपना ट्रक छोड़ करके भाग गया है मौके से। मुकदमा लिखे, बाकी कार्रवाई कराई।